हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट गुलाब जामुन। और इस गुलाब जामुन के चक्कर में मैंने जेरुसलम की चक्कर लगा ली। चलो कोई नहीं, मेहनत का फल गुलाब जामुन होता है, तो आज हम गुलाब जामुन ही बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे या कोई प्लेट लेंगे, उसमें ये पैकेट खाली कर देंगे, एकदम खाली। उसमें हम ऐड करेंगे तेल या फिर घी। मेरे पास तेल था तो मैंने तेल मिक्स किया। उसके बाद हम ऐड करेंगे दूध। इसको धीरे धीरे से मिक्स करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं भुनना है। जैसे हम आटा भुनते हैं वैसे नहीं भुनना है, बस हल्का सा मिक्स करना है, जैसे कि बस ये इकट्ठा हो जाए। लो जी, ये हो गया इकट्ठा। अब हम बनाने वाले हैं चाशनी। चाशनी के लिए लेंगे हम 2 बॉल चीनी के, 1 बॉल पानी का और थोड़ी सी इलायची लेंगे 2-3। और ये बन गई हमारी चाशनी। अब लेंगे हम कढ़ाई में तेल। ज़्यादा तेल नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा ही लेंगे। अब इस डो से हम बनाने वाले हैं पेड़े। मुझसे एक बड़ा पेड़ा भी बन गया था बीच में, बट कोई नहीं, वो सबसे बड़ा गुलाब जामुन था। तो हमने बनाए बहुत सारे पेड़े, छोटे छोटे से लड्डू बना लिए। इसको हम गरम तेल में डाल देंगे सबको। ज़्यादा तेल गरम नहीं करना है, बस मीठी सी आंच पर फ्राई करेंगे। और एकदम से फूलना स्टार्ट हो गया है देखो। और धीरे धीरे से इनको पलटाना है, सब जगह से इनको ब्राउन होने देना है। जैसे शॉप पे दिखते हैं ना ब्राउन ब्राउन से गुलाब जामुन, हाँ वैसे ही हमें ब्राउन करना है। बाहर निकालने के बाद वो कुछ इस तरीके से दिख रहे थे, पर सीरियसली जब ये चाशनी में हमने डाले तो उसके बाद ये काफ़ी पानी आ जाता है ना मुँह में। पर हाँ, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे तो नहीं बने, पर टेस्ट में एकदम यम थे। वैसे भी अपीरेंस मैटर नहीं करती है, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। ये सच में बहुत ही ज़्यादा जूसी एंड स्पॉन्जी बने, आप ज़रूर ट्राई करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।